दोस्तों, आज मैं हरी मिर्च का अचार बनाने जा रही हूँ। ये आधा किलो हरी मिर्च है, इसकी डंडी मैंने तोड़ के और इसको साफ पानी से धो के इसको मैंने जो है अच्छे से सुखा लिया है। अब मैं इसको बारीक काट के अब इसका मैं अचार बनाऊँगी। चलिए बनाते हैं अचार। ये देखिए, मैंने महीन चॉपर से इसको महीन कर लिया है। इसके बाद ये मूंगफली इसमें डालूँगी और ये लहसुन, इसको मैं ज़रा चॉप करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, हल्दी, नमक और ये मिर्च का मसाला और ये हींग, अब यह तैयार हो गया है। अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। ये देखिए, तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें मिर्ची डालूँगी। ये देखिए, मैंने तेल में मिर्ची डाल दी है। अब थोड़ी देर इसको मैं ऐसे ही चलाऊँगी। अब मैं इसमें लहसुन और मूँगफली डालूँगी। अच्छे से मिलाऊंगी। अब मैं इसमें अचार का मसाला डालूंगी। उसके बाद मैं इसमें हल्दी और नमक डालूंगी। अब मैंने इसमें एक ढक्कन भर के हींग डाल दी है। इसके बाद मैंने ये 5-6 चम्मच किसी खटाई डाल दूंगी। सॉरी, मैं किसी खटाई बताना भूल गई थी। अब मैं इसे अच्छे से 10 से 15 मिनट पका लूँगी, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। आइए दोस्तों, अब देखते हैं। ये देखिए, अभी ये थोड़ा और पकेगा। देखिए, इसमें तेल छोड़ रहा है। अभी ये थोड़ा और पकेगा, 2-4-5 मिनट और देखते हैं। ठीक, आइए दोस्तों, देखते हैं अब। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, इसको चला के देखती हूँ। ये देखिए, मेरे मिर्चे का अचार बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, अब मैं इसको 2 से 3 महीने अच्छे से रख के खा सकती हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज़।